हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोटिस राइटिंग। सो लेट्स लर्न हाउ टू राइट नोटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नोटिस। अ नोटिस इज वेरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग विच इज यूजुअली फॉर्मल इन स्टाइल। मीन्स ये कोई लॉन्ग राइटिंग नहीं होती, एक शॉर्ट राइटिंग है जो हमेशा फॉर्मल स्टाइल में ही लिखी जाती है। It is a method to convey a message or information in brief to all the concerned persons. Means जब हमें कोई information brief में देनी हो काफ़ी सारे persons को, तो हम क्या करते हैं, With the help of notice we can convey that. It is widely used by individuals and organizations to announce events and celebrations and sales, to issue public instruction etc. Notice writing का use mainly कहाँ पर होता है, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी भी जब इवेंट को अनाउंस करना हो या किसी सेलिब्रेशन को अनाउंस करना हो, सेल्स के बारे में कोई नोटिस देना हो या फिर कोई पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की अनाउंसमेंट करनी हो, तो नोटिस का यूज़ होता है। नाउ लेट्स लर्न द एसेंशियल्स ऑफ नोटिस राइटिंग। मीन्स नोटिस राइटिंग में हमें कौन कौन से पॉइंट्स की ज़रूरत होती है या कौन कौन से पॉइंट्स मैंशन करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ डेट, टाइम, वेन्यू। मीन्स कोई भी इवेंट की डेट, ठीक है, उसका टाइम और कहाँ पे उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वेन्यू। पर्पस, हु इज टू अटेंड, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड कि उस इवेंट को या कोई भी जो ओकेजन है उसका पर्पस क्या है, उसे क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हु इज टू अटेंड मीन्स ये नोटिस जो है वो किस किस के लिए है, कौन कौन उस ओकेजन को अटेंड करेगा, एंड अदर जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हमें देनी है वो हम ऐड करते हैं, देन एट लास्ट द कॉन्टैक्ट पर्सन। नाउ वी विल सी कि इस सारी इंफॉर्मेशन को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन नोटिस राइटिंग। सो लेट्स सी द फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स। सबसे पहले आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना होगा, फिर उसके बाद नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, मीन्स जिसकी तरफ से नोटिस इशू हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का या स्कूल का नेम, दैट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स। आफ्टर दैट नोटिस, नोटिस लिखोगे आप इन द मिडल और वो भी क्या होगा, कैपिटल लेटर्स में होगा। आफ्टर दैट डेट इन लेफ्ट हैंड साइड, एंड डेट के बाद हेडिंग। हेडिंग जो है वो बहुत ही शॉर्ट और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी कॉन्टेंट लिखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट द इवेंट ओकेजन, आप वो सारा नोट करोगे। आफ्टर दैट सिग्नेचर्स, और सिग्नेचर्स के बाद आपका नेम और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स आप कौन हो, आप स्कूल कैप्टन, प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी हो, आपकी जो भी डेजिग्नेशन है, एंड योर नेम विल कम हेयर। अगर आपको क्वेश्चन में इशूइंग पर्सन का नेम गिवन है तो आप उसका नाम लिखोगे, उसकी डेजिग्नेशन लिखोगे इंस्टेड ऑफ योर ओन। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट के लिए आपको जस्ट 7 पॉइंट्स लर्न करने होंगे दैट आर गिवन इन द पिक्चर। आप जस्ट इन 7 फॉर्मेट्स को लर्न कर लो और नोटिस जो है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब जो हमारे नोटिस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो हमें अलग अलग नोटिसेस के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो लेट्स सी कि हम किस टाइप के नोटिस में कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेट ऑफ नोटिस इशूड फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट सम इवेंट्स। जब हमें किसी इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करना हो तो उसमें हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। फर्स्ट इज़ नेम, उस इवेंट का क्या नेम है, उसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस या किस ओकेज़न पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, डेट, टाइम या ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद उसकी प्लेस, कहाँ पे वो इवेंट होगी, या फिर उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मीन्स कौन कौन उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की, देन कॉन्टैक्ट एड्रेस, और उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी हो कि जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, वो सब आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ नोटिस इशूड फॉर लॉस्ट एंड फाउंड ऑफ आर्टिकल और अदर वैल्यूएबल्स। अगर आपको लॉस्ट एंड फाउंड मीन्स कोई चीज़ गुम हो गई है या आपको कोई चीज़ मिली है उसके लिए नोटिस राइट करना हो, तो आपको उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, आर्टिकल के बारे में कि क्या चीज़ जो है वो आपको मिली है या गुम हुई है। डेट मीन्स किस दिन आपको वो चीज़ लॉस्ट हुई है, फाउंड हुई है। अप्रोक्सीमेट टाइम, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कि उस चीज़ की जो है निशानी क्या है। एंड देन कॉन्टेंट,
और लास्ट में कि किसको कांटेक्ट करें, व्हेन एंड वेयर। द थर्ड इज फॉर्मेट ऑफ नोटिस इशूड फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट टूर्स, फेयर्स, एग्जीबिशन, कैंप्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन नियर फ्यूचर। मीन्स जब हमें किसी चीज़ के लाइक टूर, फेयर्स, मेला, एग्जीबिशन या कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसमें हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेम एंड नेचर, कि किस चीज़ के बारे में हम ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं, कोई टूर है, कोई फेयर है या कोई एग्जीबिशन है। एंड आफ्टर दैट ओकेजन, देन ऑब्जेक्टिव, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई इन्फॉर्मेटिव है, अवेयरनेस देगा, अपील, इन्विटेशन, तो उसका ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। आफ्टर दैट उसकी डेट एंड टाइम, देन एक्सपेंडिचर और एंट्री फीस, जैसे अगर कोई एग्जीबिशन है तो उसकी कितनी एंट्री फीस होगी, अगर कोई टूर है तो क्या क्या उसके एक्सपेंडिचर्स होंगे। देन बिगिनिंग और कंक्लूजन, उसके बाद प्लेस, कि टूर जो है, अगर हम टूर के बारे में बात कर रहे हैं तो कहाँ पर हम विजिट करने वाले हैं, और ड्यूरेशन, कि जो टूर है और एग्जीबिशन या कोई भी फेयर है वो कब से कब तक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस, और अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी हो, जैसे क्या जो है हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और विजिटिंग आवर्स के बारे में, देन इट शुड बी मेंशन्ड देयर। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ नोटिस। यू आर अनिकेत, सेक्रेटरी ऑफ स्कूल क्लब, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th and 7th अबाउट क्विज कॉन्टेस्ट। तो इसमें आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है कि आपको स्कूल के लिए एक नोटिस लिखना है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल का नाम आ जाएगा, दैट इज शिवालिक इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल नारायणगढ़, एंड इट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स। उसके बाद नोटिस आएगा वो भी कैपिटल लेटर्स में होगा, देन डेट इन लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आपकी क्या आती है, हेडिंग, दैट इज क्विज कॉन्टेस्ट। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द क्विज कॉन्टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th and 7th। इट विल बी हेल्ड ऑन 15th November 2020 इन द स्कूल हॉल। इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड सबमिट देयर नेम्स टू बी अंडरसाइंड एनिकेत सेक्रेटरी। तो देखिए, इसमें आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि क्या है, क्विज कॉन्टेस्ट है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th, कब होगा, कहाँ होगा, ठीक है, और लास्ट में सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन जो है, दैट इज सेक्रेटरी। नेक्स्ट इज द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन स्वास्थ्य विहार इज ऑर्गेनाइजिंग अ दिवाली फेस्टा इन द लोकेलिटी। एज द प्रेजिडेंट ऑफ द ओकेजन ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 words इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट्स अबाउट द सेम। सो हेयर यू हैव टू ड्राफ्ट अ नोटिस अबाउट दिवाली फेस्टा, दिवाली के फेस्टिवल का। इसकी जगह आपके पास कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, बट द फॉर्मेट विल रिमेन द सेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, दैट इज़ द रेजिडेंट्स वारफेयर एसोसिएशन स्वास्थ्य विहार। ये जो है आपका कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। आफ्टर दैट नोटिस, देन डेट इन लेफ्ट हैंड साइड, November 6, 2020, और जो भी डेट होगी दैट यू कैन राइट देयर। आफ्टर दैट हैडिंग दिवाली फेस्टा, आवर एसोसिएशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द दिवाली फेस्टा इन द कॉलोनी एज पर द शेड्यूल। इसमें आप क्या करोगे, पूरा शेड्यूल बता दोगे कि कौन सी डेट को है, टाइमिंग क्या होगी, वेन्यू कहाँ होगा, मीन्स कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और किस किस को इसमें इन्वाइट किया गया है। द रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज फॉर अ सेलिब्रेशन। उसके बाद देखो, हमें स्टेटमेंट में कोई भी नेम गिवन नहीं है, तो देन यू कैन राइट योर नेम हेयर एंड देन डेजिग्नेशन। वट इज़ द डेजिग्नेशन हेयर, प्रेजिडेंट RWA, RWA मीन्स रेजिडेंट्स वारफेयर एसोसिएशन स्वास्थ्य विहार। सी द नेक्स्ट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर स्कूल। एज अ स्कूल कैप्टन इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। यू आर अजीत, कैप्टन ऑफ स्कूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन कैपिटल लेटर्स, देन नोटिस, देन डेट इन लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर दैट हैडिंग ब्लड डोनेशन कैंप। अ ब्लड डोनेशन कैंप इज बींग ऑर्गेनाइज इन द स्कूल ऑन संडे 8th November 2020 and 10 AM. All the students are advised to participate in it wholeheartedly. Ajit, Captain. तो इसमें आपने क्या डेट और वेन्यू, इसे आप अपने अकॉर्डिंग जो हो चेंज कर सकते हो कि आपका डेट कब होगी और टाइम कब होगा,
एंड पार्टिसिपेंट कौन होंगे? ऑल द स्टूडेंट्स. एट लास्ट योर नेम एंड डेजिग्नेशन. सो दिस वॉज योर वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ नोटिस राइटिंग. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. एंड स्टिल इफ एवरी स्टूडेंट हैज़ एनी प्रॉब्लम दे मे आस्क टू मी. थैंक यू.